अलीगढ़ में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए समिति की ही सदस्य ने गांधी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा एसएसपी के आदेश पर दर्ज किया गया है। समिति की सदस्य के अनुसार समिति में दहली गेट निवासी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र हैं। वह उन पर गलत संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं, कार्यालय में आपत्तिजनक हरकत करते हैं, कई बार बिना नंबर की स्कूटी से पीछा भी किया है, विरोध करने पर अभद्रता करते हैं, साथ में धमकी देते हैं। पिछले दिनों एक अभद्रता करते हुए पानी की बोतल फेंक कर मार दी थी और गाली गलौज करते हुए गायब करने की धमकी दे दी गई थी, जिसकी शिकायत एसएसपी से की गई। एसएसपी ने थाना गांधी पार्क पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति की सदस्य ने उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जितेंद्र का कहना है कि कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फुटेज चेक की जाए, जिसमें बाल कल्याण समिति की सदस्य की पूरी हरकत कैद है। वह उन्हें पद से हटाने के लिए गलत तरीके से दबाव बना रही हैं। मेरा एक लंबे समय से शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। पहले हम लोग समिति में साथ बैठते थे, हमारे जो अध्यक्ष महोदय जिनका नाम श्री जितेंद्र सिंह है, एक लंबे समय से मेरे साथ बैठते थे, मैं इनके पड़ोस में बैठती थी। जून 2023 की बात है, उस समय काफ़ी लंबे समय से ये मुझे कुछ अश्लील वीडियो दिखाया करते थे, फ़ोन रखा हुआ है, वीडियो चालू कर दिया। तो आपने कभी विरोध नहीं किया? वही बता रही हूँ, अभी मुझे बोलने दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग सभ्यता के दायरे में रहकर उसको अपने आपस में बैठ के उसको जो मतभेद होते हैं या कुछ गलत लगता है तो आपस में विचार विमर्श करके उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ में ही एक साथी महोदय महिला सदस्य हैं, वो भी बैठा करती थी। कई बार मैंने उनको बताया तो मैं अक्सर का अध्यक्ष की तरफ ऐसे बैक सीट करके बैठा करती थी, जिससे मुझे इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद मैंने इन महिला सदस्य को बताया तो इनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, गाली गलौज करनी शुरू कर दी और बोले कि बुढ़िया तू मेरा क्या कर लेगी, तुझे और इसको दोनों को राह चलते उठा दूंगा, तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी। फिर हमने हमारे जो पुरुष सदस्य हैं इनके संज्ञान में हम इस मामले को लेके आए। उसके बाद तो क्योंकि जब मैं अपने घर के लिए निकलती थी तो रास्ते में मेरे पीछे पीछे जाते थे, एक स्कूटर है इनका ऐसा है, वैसे न्यायपीठ पे बैठे हुए हैं, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की उपाधि लिए हुए हैं, लेकिन इनके स्कूटर को आप अभी भी चेक करें तो उसमें नंबर प्लेट नहीं मिलेगी, तो उससे मेरा पीछा किया करते थे। एक बार इन्होंने दो आदमी भी भेजे, एक का नाम तो सोनू है, दिल्ली गेट पर ही रहता है कैलाश गली में, और एक का नाम संजय कुमार है। वो मेरे घर के पास आकर उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने सर को खुश नहीं किया, श्री जितेंद्र सिंह को खुश नहीं किया, तो तुम्हारा अलीगढ़ शहर में रहना दुश्वार कर देंगे। इसके संबंध ये लोग मुझे कई बार मिलते थे, धमकी देते थे, कई बार ये कहते थे कि मेरे साथ घूमने चलो, ये करो वो करो, और बाकी की बातें जो भी है वो कोर्ट में बहुत जल्दी आपको जो है साक्ष्य के साथ मिल जाएगा। एसएसपी को क्या आपने दिया है लिखित में? जो दिया है लिखित में उनके पास है और मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसके बाद जो भी संज्ञान मजिस्ट्रेट महोदय लेंगे वो। मामला ये है, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला तो है नहीं, ऑफिस संबंधित मामला है। मैं इन लोगों से ये कहता था कि टाइम से आया करो, और भी बहुत सी चीज़ें वो होती हैं ऑफिस संबंधित, और टाइम से आया करो, अपने टाइम से आख्या जो भी हाई कोर्ट की आख्या जो आती हैं और ऑफिस में कार्यालय में जो भी कार्य होते हैं उससे संबंधित बहुत सी बातें होती हैं। तो इसी बात से शुरू से ही सन 2021 से उनकी शिकायतें वो निदेशालय में भी की थी मैंने, डीएम के माध्यम से भी की, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी की, और हाई कोर्ट के संज्ञान में भी है। वहाँ से एक लेटर भी जारी हुआ था कि अपने हाई कोर्ट से लेटर जारी हुआ था कि जिसमें कहा गया था कि अपने उच्च मंच से संपर्क करें, लेकिन निदेशालय में मैंने काफ़ी शिकायत है कि उसका कोई समाधान हुआ नहीं था। उसके बाद में फिर एक सन इसी की 7/10/2023 की बात थी, कि मैंने एक लेटर भी जारी किया था कि अनुशासन के संबंध में किसी तरीके से आप टाइम से आया करें, घंटे वो बैठक जो होती है हमें 6 घंटे की होती है 11 से 5 बजे तक की, तो उसी हिसाब से मानदेय निकलता है। और कुछ हमारी एक सदस्य और थी जो पॉक्सो में जाती थी, उनके कोई मुझ पर कोई ना तो मैसेज होता था कि पॉक्सो में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इस तरह का कोई भी मैसेज मुझे नहीं दिया जाता था। और मेरी बगैर अनुपस्थिति गई और मेरे बगैर संज्ञान दिए हुए नॉलेज में, और उसमें निरीक्षण भी करने चले जाते थे, मीटिंगों में भी, और अपने अटेंडेंस रजिस्टर में प्रेजेंट भी लगाते थे। आप पर छेड़खानी का लगाया गया? जी जी जी।
तो क्या मानते हैं आप, कितना सत्य है वो? सत्य का सारे झूठ है वो। इसी संबंध में उससे रंजिश के बाह उद्देश्य से ये सारी शिकायतें की गई। उन्होंने तो कहा है कि वो वीडियो फुटेज भी उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं एसएसपी को, जो आपके द्वारा उससे छेड़खानी की गई है। वीडियो फुटेज जो थी, मैं उसके संबंध में बताना चाहता हूँ। एक महिला, एक हमारी सदस्य और हैं ओम कुमारी गुप्ता, उनसे इनकी वार्तालाप हो रही होगी, क्योंकि उससे पहले भी ये कई बार गाली गलौज आपस में करते रहते थे। तो इसी वजह से मैं उस ऑफिस से समझाता था, नहीं समझते थे तो ऑफिस से उठ के चला जाता, क्योंकि मुझ पर नहीं देखा गया। अच्छा, उनके उसी दिन जिस दिन की वारदात थी ये वीडियो फुटेज की, उसमें पूरी वीडियो फुटेज देखे हैं आप ऑफिस की होगी, तो किससे संबंधित, किससे लड़ाई हो रही थी, क्या क्या मामला था, तो इनसे आपस में बोल रही थी। मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से आप ऑफिस का मामला है, ऑफिस में किसी सीढ़ी के मजिस्ट्रेट है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट है, इस तरह से आप ऐसी हरकत न करें तो अच्छा रहेगा। तो उस इसी के बदले में उन्होंने मुझसे एलिगेशन लगाए, मुझे गाली गलौज की, बदतमीजी की, और मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। बहुत ही बुरी तरह, मतलब मुझे वैसा बिहेव किया था उसने।